यहाँ पे सिर्फ 40 गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सेवा की गायें हैं, जय गौ माता। बाकी सेवा की गायें भाई, जो मतलब दूध नहीं दे पाती तो वो खाने पीने का और सब करते हैं। हे गाइस, कैसे आप सब? तो गाइस आप देख रहे हो भाई वेदी ब्लॉग्स और मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस भाई, आज हम आए एक स्पेशल वीडियो के साथ स्पेशल जगह पे, स्पेशल लोकेशन पे। और फिलहाल भाई हम खरसिया में ही हैं और आप पीछे देख सकते हो पेंटिंग जो खरसिया में, भाई वो समझ जाएगा काम में। मैं हूँ भाई, फिलहाल आ जाया हूँ खरसिया में गौशाला एक भाई यहाँ पे, मतलब देखते हैं कि क्या है। मौसा जी भाई यहाँ पे सेवा भी करते हैं और भाई इस गौशाला को मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अवार्ड भी मिला है भाई, बहुत सम्मानित किया है, तो भाई बहुत खुशी की बात भी है यार। और भाई देखते हैं कि क्या है ऐसा गौशाला में, क्या ऐसी मतलब सेवा कर रहे हैं, क्या स्पेशल है इस गौशाला में। और भाई मिलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें मौसा जी सब बताएंगे भाई। और भाई बहुत स्पेशल जगह है, स्पेशल जगह क्यों है मैं बिना देखे क्यों बोल रहा हूँ भाई, अगर मुख्यमंत्री से अब सम्मान मिला है तो यार ज़रूर स्पेशल जगह है भाई। तो दिखाता हूँ मैं आपको, और ये मैं वहीं हूँ भाई फिलहाल, और आप पेंटिंग्स देख सकते हो, ग्रीनरी देख सकते हो। तो भाई सीधे में ये बिल्कुल स्ट्रेट में दत्त मंदिर राधा कृष्ण का, और बाबा श्याम भी है हमारे। तो भाई यहाँ किसी को फंक्शन करना तो फंक्शन भी हो जाता भाई, और इसका जो भी अपना गौशाला में चले जाता। तो यार ये भी बढ़िया है, अपना रात को कर लो। और ये चलते हैं घूमने, और ये भाई गौशाला स्टार्ट देखो। यहाँ दूध देने वाली गायें हैं, 40 गायें हैं। कितनी गायें हैं? 40 गाय सारी या ना, इसमें 40 गाय दूध दे होकर। अच्छा अच्छा, बाकी फिर बाकी सेवा वाली गायें हैं, वो सेवा वाली गाय हैं। अच्छा, बीमार है? ना ना, उन्हें सेवा करा कर अच्छा। निस्वार्थ सेवा, ये सारे हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, पानी वगैरह के पाइप वगैरह भी लगा रखे हैं, ये पानी वगैरह के पाइप भाई, और ये फुहारे नहलाने के लिए, ये पंखे बड़े बड़े। हाँ, आगे ले लेना, आगे ले ले। ये देखो भाई, ये फुहारे लगाए हुए हैं, ये पानी जैसे नहलाने के लिए, फुहारे नहलाने के लिए। और ये भाई पंखे, ये पंखे जो बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं। और देखो स्टाफ काम कर रहा है, टी शर्ट भी दे रखी है इनको, श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया। और सभी गायें जय जय गौ माता। चारे के लिए अलग से टाइल वगैरह लगा के बहुत बढ़िया कर रखा है, और गद्दे भी मतलब कंफर्टेबल गद्दे हैं। और भाई, और एक होता है ना कि हाँ साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि मतलब गायें हैं, मतलब पशु है तो अपना ध्यान नहीं रख पाते, लेकिन जितना होनी चाहिए साफ़ सफाई उतनी है, मतलब आराम से आप चल फिर सकते हो। और भाई देखो यार, मतलब मज़ा आ गया यार, मतलब गऊ के लिए आज भी है, मतलब कई काटते हैं भाई लेकिन है गऊ भाई। ये मशीन दूध देने वाली, और जैसे मतलब हमारे वहाँ तो थन में हाथ से निकालते हैं, तो भाई यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं यार, तो इतनी थोड़े हो पाएगा। तो ये मशीन है भाई, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। बाकी बात करवाता हूँ मैं। और भाई ये मेडिकल भी है यहीं पर, मतलब मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है, किसी गाय को, किसी गौ माता को कुछ हो जाता है तो उसके लिए। ये मशीन का कैसे यूज हो मौसा जी? ये मशीन का दूध निकालने में यूज होती है। देखो ऊपर दिखाओ जो ये लगा रखी है। हाँ। ये है भाई जो दूध निकालने में हेल्प करती है। अच्छा, यहाँ से अपने ये पाइप से अच्छा, में लग जाती है वो पाइप। अच्छा, फिर वो अपने आप खींचने लग जाती है। तो फिर क्या नाम है, इससे नुकसान तो नहीं है? ना ना, कुछ नुकसान, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, तो भाई अच्छी मसाज हो जाओ कर। अच्छा, तो भाई हमारे वहाँ पर तो जैसे हाथ से निकालते हैं, तो यहाँ से हाथ से भी निकालते हैं। अच्छा, ज़्यादा गायें भी हैं तो भाई। हाँ। इसलिए अच्छा, तो ज़्यादा। और मेडिकल भी है भाई यहीं, किसी गाय, हाँ मैं किसी गाय गौ माता को खोल जाए तो भाई मेडिकल भी है, और सारी सुख सुविधा अंदर ही है, एट ए टाइम मतलब एक्शन ले सके कि हाँ क्या हुआ है। और ये भाई गौशाला सेवक जो दिन रात लगे रहते हैं भाई, देखो अभी भी 8:30 का टाइम हो रखा है लेकिन लगे हुए हैं। देखो वहाँ वो गौ माता के खाने के उसको सब साफ कर रहा है। अभी से आते हैं भाई यहाँ पे, और भाई यहाँ पे सिर्फ 40 गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सेवा की गायें हैं, जय गौ माता।
बाकी सेवा की गायें भाई जो मतलब दूध नहीं दे पाती तो वो खाने पीने का और सब करते हैं, और यहाँ आते हैं बड़ी बड़ी मशीनों पे, इसका बताएंगे मौसा जी यूज़। तो मौसा जी ये जो मशीन है इतनी बड़ी बड़ी किस चीज़ की है मशीन? ये मशीन है दूध ठंडे करने की। अच्छा मशीन है ये मशीन, इसका कंप्रेसर पीछे लगा हुआ है। ठीक है ठीक है। और ये दूध पैकिंग करने की मशीन है, दूध थैलियों में। हाँ आधे अच्छा। लीटर की पैकिंग होती है इसमें। अच्छा ये होती है। फिर ये कहाँ पर, जब मार्केट में जाओ? हाँ मार्केट में जाओ कर। ठीक है अपने यहाँ भी बढ़ जाती है। अच्छा जैसे कोई ऑर्डर शादी में? नहीं नहीं शादी अच्छा। देने अभी तो खाली पर्ची वालों को मिलते हैं जो यहाँ बंधे हुए हैं। अच्छा हाँ एक सौ बीस गौ सेवा ही करते हैं। हाँ नहीं नहीं गौ सेवा नहीं, और जो भी ले ले। ठीक है ठीक है, जो पहले बंधे हुए हैं ना वही लेते हैं दूध। तो इसका यूज़ कैसे है फिर? मतलब ये दूध लाए ठीक है वहाँ से जो मशीन से निकाल? ठीक हाँ, है इसमें डाले। ठीक है ये डाल दिए खोल के भाई? ये डाल दिए। अच्छा ये डाले फिर इसको बंद करके चालू कर दिए मशीन। ठीक है ये ठंडी करेगी उस दूध को मिक्स करके। ठीक है ठीक है, ठंडी करके एक टेम्परेचर में 22 टेम्परेचर 18 हाँ वो भी है वो ठंडा हो के इससे यहाँ से पाइप लगी हुई है। अच्छा अच्छा यहाँ से इसमें ट्रांसफर करते हैं। हाँ ठीक है, पैक होने लग जाती है। ठीक पूरी दूध अपने आप पैकिंग हो जाती है? हाँ अपने आप पैकिंग। अच्छा इसमें फिर एक किलो आधी किलो भरना पड़ता है? नहीं अपने आप आएगी आधा किलो की। अच्छा सब सेट है इसमें? ठीक ठीक आधा किलो तो पैकिंग निकलेगी। वो भाई कंप्रेसर जो बंद हुआ है और पीछे सारा ये होगा सेट करने का। हाँ हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ मशीनें करेंगे क्योंकि भाई बहुत सारी गायें हैं तो लग जाएंगे, एक आध बंदा रहता ही है यहाँ। हाँ हाँ सब पकड़ने के लिए जो गौ सेवक में है जो भाई वो सब यहीं लगे रहते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे ना सेवा चले और ये देख अभी आगे हाँ 9 बजे तक किए, 5 बजे से 9 बजे तक। ठीक है उसके बाद ये सब गोबर उबर हम लोग खींच देते हैं। अच्छा अच्छा इकट्ठा कर दिए, फिर बाई आएगी अभी। अच्छा भाई उठा के उसको गोबर उसमें डाल देगी। ठीक है गैस प्लांट में। अच्छा गोबर का भी मतलब यूज है? हाँ सब यूज है। अच्छा हाँ चलो और दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ बनता है गौ माता के लिए खाना, और फिर यहाँ पे मिक्स करके फिर इनमें लेके और खाना देते हैं। यहाँ पे 3 बंदों की अलग ड्यूटी है, देखो मतलब ये बहुत बढ़िया यार, और इसमें खाना बनता है। अब खाना परोसेंगे, जो सफाई कर रहे थे अब खाना परोसेंगे। दूध पैक हो चुका है, और जैसे आधी किलो की पैकिंग में अपने आप जैसे बताया था मोहन जी ने। हाँ और गौशाला की ही गाड़ी है ये, इसमें पूरी भर के और ये फिर जाएगी जिसने पर्ची कटवा रखी है। आधी आधी किलो की पैकिंग है ये। तो भाई हम भी दूध लेके चल पड़े हैं अपना, मोसा जी भी गाय का ही लेते हैं दूध, और भाई पीछे सब गायें यहाँ जमा होते चले जाएंगी घूमने के लिए। और भाई ग्राउंड भी है पीछे, वहाँ गायें इकट्ठा हो गए अपना टहल लेती हैं। तो गाइस ये था भाई खरसिया का गौशाला का स्पेशल वीडियो, और भाई आपको इस वीडियो में अच्छा ना लगे कुछ भी अच्छा ना लगे बेशक, लेकिन एक बार आओ जो मतलब भाई गौ माता की सेवा कर रहे हो उनसे मिलो, उनसे बातें करो, अपने कुछ दान दक्षिणा दो जो कि गौ माता के काम आ सके। और भाई यहाँ पे मतलब सारी गायें नहीं हैं जो मतलब दूध देती है, कुछ सेवा भी शिष्य सेवा के लिए भी आया। तो मतलब भाई यहाँ का देख सकते हो आप स्टाफ भी बहुत बढ़िया भाई, मतलब सुबह सुबह लगा हुआ अपने काम पे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। आप भी यार आओ, ज़रूर आओ एक बार, और भाई बहुत बढ़िया है यार। तब तक के लिए भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय गौ माता। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।